पेश है गुड मॉर्निंग जेएनके। नादीदा मंजरों को अगर चाहें देखना, अपनी ही जात से कोई पर्दा उठाइए। बीमार असर जल्द शिफायाब हो सकें, गहवारे से एक और मसीहा उठाइए। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएनके के एक और ताज़ा शुमारे में। हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। आज सुबह भी हमारे नाजरीन, हमारे मुहिब देखने वालों के लिए हमारी यही उम्मीद, आरजू और दुआ कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें, खुशोखुरम रहें, बस तो सलामत रहें, बखैर आफियत रहें और ज़िंदगी के मामलात में रवान दवा रहें और ज़िंदगी के इम्तिहानात में कामयाब कामरा रहें। आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस का दिन। हमारे तमाम ईसाई भाइयों को हमारी तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद, मैरी क्रिसमस। खैर, इस तरह के ख़ास दिन इस बात की मिसाल भी होते हैं और याद दहानी भी कि हमारा माशरा कितना रवादार है, यहाँ पे कितनी मजहबी हम आहंगी है, यहाँ पे आपस में अकायद के लिए कितना एहतराम है, कितनी इज्जत है। हम सब जानते हैं नाज़रीन मोहतरम के रिश्तों में, ताल्लुकात में बुनियादी तरीन बात एहतराम है। हमारे अकायद कुछ भी हो सकते हैं, हमारे बिलीफ्स कुछ भी हो सकते हैं, हमारे नज़रियात मुनफरिद हो सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, अगर आप हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, तो एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, एज अ मार्क ऑफ जेनरोसिटी, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक दूसरे की खुशियों में शरीक हों, एक दूसरे के गम में शरीक हों। इसी चीज़ को मलहूज रखते हुए जब भी यहाँ कोई बड़ा दिन होता है, वो किसी भी मजहब से मुंसलिक हो, हम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, शिरकत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये बड़ा दिन क्यों मनाया जाता है, इस बड़े दिन की क्या अहमियत है। क्योंकि बहरहाल हम सब जानते हैं कि रिश्तों में एहतराम हो तो फिर मोहब्बत पनपती है, खुलूस पैदा होता है, और जिन रिश्तों में एहतराम ना हो, वो रिश्ते कारोबारी तो हो सकते हैं लेकिन उन रिश्तों में मोहब्बत नहीं हो सकती। और इस बात की भी याद दहानी ऐसे दिन कराते हैं कि जो हमारी रिवायत है, जिन बुनियादों पे ये माशरा खड़ा है, जो हमारे अकदार हैं, वो कितने मजबूत हैं, उनकी कितनी पासदारी हम करते हैं, और अल्लाह ताला करे कि आगे भी हम उन्हीं रिवायात की पासदारी करते रहें, ताकि नफरत, तकसीम, तफरीक के जलजले उस नींव, उस साख्त, उस बुनियाद को न हिला पाए। खैर, आज प्रोग्राम में क्रिसमस के ताल्लुक से हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और उससे जुड़े एक मेहमान भी हमारे स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है, लेकिन उससे कबल आपको इंतजार अपडेट्स का रहता है और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की मेज़बानी की जिम्मेदारी जो है दो मेज़बान निभाते हैं। आज मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद अमार और मेरे साथ रहेंगी हुमैरा शफी। बहुत बहुत शुक्रिया हुमैरा, क्या हाल है, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। घर में सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह।
ऑल राइट, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल, खैर मकदम करते हैं आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम दैट इज गुड मॉर्निंग जे एंड के। नाजरीन अर्ज किया है, हो जाए खुशियों की आप सब पे बहार, हो जाए खुशियों की आप सब पे बहार, मुबारक हो आप सबको क्रिसमस का त्यौहार। नाजरीन मेरी तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद हो आज दिन के हवाले से। वही बताना चाहेंगे कि आज का जो दिन है वो ईसाइयों के लिए बहुत ही अहम दिन माना जाता है। कहते हैं कि आज ही के दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। और ये भी बताना चाहेंगे नाजरीन कि सबसे पहले रोम में एडी 336 25 दिसंबर को ये दिन मनाया गया था। करंटली अगर देखा जाए तो दुनिया भर में 150 से ज़्यादा जो कंट्रीज है आज दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अपने देश के बारे में बात की जाए तो हमारे यहाँ जो ईसाई लोग होते हैं आज के दिन चर्च जाते हैं, अपने घरों को क्रिसमस ट्री से सजाते हैं। बच्चों की बात अगर पर्टिकुलरली की जाए, बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, उनको तरह तरह के गिफ्ट्स मिलते हैं। और नाजरीन हमें एक ज़रूरी बात याद रखनी चाहिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, यानी कि जिसे हम जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं, वो यही चाहते थे कि हम सब अमन से, प्यार से और खलूस के साथ मिलकर रहे और सुख दुख में एक दूसरे के काम आ जाए। बिल्कुल हमारा, और जैसा कि आपने कहा, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ टुगेदरनेस, इट ब्रिंग्स पीपल क्लोज टू ईच अदर। आप देखिए आज के दौर में लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने फैमिलीज को टाइम दें, अपने ताल्लुकात को टाइम दें, तो सबसे अहम चीज मुझे इस फेस्टिवल की यही लगती है। बाकी फेस्टिवल्स की भी है लेकिन बिलखसूस इसमें, क्योंकि बहुत सारे ममालिक में फेस्टिवल मनाया जाता है और वहाँ बहुत बिजी लाइव्स हैं लोगों की, तो ये ईव होती है कि जहाँ पे सभी फैमिली फ्रेंड्स रिलेशंस आपस में मिल बार में ना बैठ के थोड़ा सा वक्त स्पेंड करते हैं, और फिर ये भी कि थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाती है, थोड़ा स्ट्रेस बस्ट हो जाता है, जो कि आज के दौर में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, और अमार भाई यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज के दिन बर्फबारी होगी जी, है ना, लेकिन वो चिले कलान के बारे में जो पेशगोई की गई है कि थोड़ा खुश्क ही रहेगा शायद मामला कमिंग डेज तक, वल्लाहु आलम आगे क्या होता है। जी नाजरीन बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि आज श्रीनगर का जो मौसम है वो खुश्क ही रहने वाला है, इट विल बी पार्टली क्लाउडी। और वही अगर हम दर्ज हरारत की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 8 डिग्री और कम से कम 1 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्क है। जम्मू में ज्यादा से ज्यादा 17 और कम से कम 9 डिग्री सेल्सियस की रहने की तवक्क है। शहराओं के हवाले से भी नाजरीन आपको बताते चले कि आज नेशनल हाईवे 44 पर बड़ी गाड़ियों को नवयुग टनल से जम्मू जाने की इजाजत दी गई है और एसएसजी रोड पर छोटी गाड़ियों को कारगिल से श्रीनगर जाने की इजाजत दी गई है। और मजीद इतलात के लिए आप दिए गए नंबरात पर राबिता कर सकते हैं। जी अमार, ट्रैफिक और रोड से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं हम नाज़रीन के साथ आए दिन शेयर करते रहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हादसात की खबरें बहुत हम देखते हैं अखबारात में शाया होती हैं, और ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस पे अगर हम अपनी अमल आवरी को परखें और उसका ज़रा तज्जिया करें तो हम भी ज़रा गफलत शारी से काम लेते हैं और थोड़ा रेगुलेशंस को फरामोश करते हैं। यूजुअली ये देखा गया है कि कोई, अगर आपने देखा हो रोड पर कोई गाड़ी अपने साइड पर आराम से चल रही है, नॉर्मल स्पीड पे चल रही है, तो हम जल्दबाजी में होते हैं, इतनी हॉर्न हॉन्क करते हैं, उसको भी मजबूर करते हैं कि आप तेज चलाएं गाड़ी। अगर आपके पास कंट्रोल है कि आप तेज रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सबके पास हो, और आप उनको मजबूर नहीं कर सकते कि आप गाड़ी तेज चलाएं, क्योंकि शायद उनके पास उतना कंट्रोल ना हो, वो कंट्रोल खो बैठे तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए ये अनयूजुअल हॉर्न हॉकिंग से गुरेज करें, ये अच्छी बात नहीं है, और ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस पे अमल आवर हों और अमल पैरा रहें आप, तभी जाके हम हादसात से बच सकते हैं। खैर, आज क्रिसमस का दिन है और क्रिसमस के ही मुताबिक हमने प्रोग्राम में भी इंतज़ाम किया है, बिल्कुल एक मौजून क्रिसमस सॉन्ग आया चाहता है, उसके बाद अपने मेहमान से मुलाकात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के। आज सभी गा रहे।
फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के में। नाज़िम मोहतरम, जैसा कि हमने आगाज़ में ही अर्ज़ किया कि आज क्रिसमस है और जब भी कोई मौजू दरदस्त होता है तो उस मौजू को जब तक हम खंगालें ना तब तक उसके तमाम इम्कानी पहलू और गोशे सामने नहीं आते। और हर किसी त्यौहार, हर किसी ख़ास दिन और बड़े दिन में एक डीपर मीनिंग की बात होती है, एक बड़ा पैगाम होता है जिस तक पहुंचने के लिए हमें उस मौजू पे गौर खोज करना होता है और अपनी जानकारी में इजाफा करना होता है और कुछ अहम नुकात से आशना होना होता है। तो इन्हीं चीज़ों को मलहूज रखते हुए हमने आज फादर स्टेलिन राजा को अपने प्रोग्राम में मधु किया है ताकि हम जानें ये क्रिसमस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, क्या मैसेज है इसके पीछे, और हमारी जानकारी में भी इजाफा हो और इस दिन को भी हम ऑब्जर्व करें। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। वेलकम टू आर शो। वी आर डिलाइटेड टू हैव यू ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस एंड मैरी क्रिसमस फ्रॉम टीम गुड मॉर्निंग जे। फादर, ये प्रोग्राम जो है बहुत सारी कंट्रीज में देखा जाता है और हमारे नाजरीन में दिन ब दिन जो है इजाफा हो रहा है माशाल्लाह। वो पहले जानना चाहेंगे, खैर क्रिसमस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, और जो आपकी तालीम वगैरह एजुकेशन कहाँ पे हुआ और किस माहौल में आप पले बढ़े। सबसे पहले आपके इस माध्यम के द्वारा सभी को मैं क्रिसमस की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम है फादर स्टेलिन राजा और मैं पिछले करीब 22 साल से मैं जम्मू कश्मीर में हूँ जी। और अलग अलग जगह पर मैंने पहले जम्मू रीजन में मैंने वहाँ पर स्कूल्स में, चर्चेस में मैंने सेवा किया है। ओके। और अभी पिछले 1.5 साल से मैं यहाँ पर हूँ, श्रीनगर में हूँ और होली फैमिली चर्च और बनाल स्कूल के साथ मैं ताल्लुक रखता हूँ। और मेरा जो पैदाइश है तमिलनाडु में हुआ है और तमिलनाडु में मेरी शुरुआत की पढ़ाई के बाद मैं एक प्रीस्ट बनने के लिए, पुरोहित बनने के लिए मैं सेमिनरी, जिसे हम ना जो तालीम देले मेरे चगो को हम सेमिनरी कहते हैं, गुरुकुल कहते हैं हिंदी में, तो वहाँ पर मैंने मेरे जो तालीम हासिल किया है। और 2008 में मैं फादर बना। ओके। 2008 जनवरी महीने में मैं फादर बना। और इसके साथ साथ मेरे जो सेक्युलर स्टडीज़ भी है, जो मैंने एम ए बी एड वगैरह किया हुआ है, और हमारे जो रिलीजियस स्टडीज़ के साथ हम सेक्युलर स्टडीज़ भी करते हैं ताकि हम सिर्फ हमारे जो सेवा सिर्फ चर्चेस में ना रहें बल्कि स्कूल से कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स उसमें भी रहने के लिए हमें जो सेक्युलर स्टडीज़ भी हासिल करना होता है जी। अगर आपसे हम एक ज़ाती सा सवाल पूछें, क्योंकि किसी भी फील्ड में आने के लिए एक तो मोटिवेशन होनी चाहिए, इंस्पिरेशन बनते हैं डिफरेंट लोग या कुछ वाकयात, कुछ इंसिडेंट्स आपको इंस्पायर करते हैं, तो ये जो सेवा में आना, इसमें आपको वर्ल्डली प्लेजर जो है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को तर्क करना पड़ता है और एक ऐसी राह को चुनना पड़ता है कि जिसमें आप अपने परवरदिगार, अपने खालिक से ताल्लुक जो है उसको उस्तवार करें, तो ये सेवा में आने की क्या वजह रही? आपने बिल्कुल सही जवाब बताया और आपके जवाब में, सवाल में ही आधे जवाब है
जी बिल्कुल, ये जो है ना, ये इस लाइन को चूज़ करना हर एक इंसान के लिए इतना बस आसान में नहीं नहीं। है। और जैसे आपने जो बताया है कि इसमें हम लोगों को बहुत सारे मुश्किलों को सामना करना पड़ता है, और हमारी जो तालीम जो है करीब 10 से 12 साल के बीच में होता है। अच्छा इसके बीच में आप तो 2 बार IAS भी कर सकते हैं, 2 बार MBBS भी कर सकते ये हैं। प्रीस्ट वाली जी तालीम। प्रीस प्रीस वाली जो तालीम हमारे लिए 12 10 से 12 साल के होता है, अच्छा तो इसके बीच में हम लोगों को अलग अलग तरीके से चेक किया जाता है कि सच में ये जो व्यक्ति जो इस ना खुदा के कादिम बनने वाला है, ये लायक है नहीं लायक है है इस करके। काम जी, के लिए। और इसके खुदा के कादिम बनने के बाद ये ठीक है काम करेंगे, तो ये 12 साल काफी लंबा समय होता है। और इस समय अगर मान लीजिए अगर आपको बीच में छोड़ के जाने का मन करता है, आप बेशक कभी भी जा आप सकते हैं, कोई जोर जा सकते जबरदस्ती हैं। नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कुछ सिखाया जाता है, थोड़ा बहुत हमें बताएं। जी, इसमें हम लोगों के 10 12 साल के हमारे ये जो ट्रेनिंग कोर्स आप ट्रेनिंग कह प्रोग्राम लें। है जी, तो हम लोगों को ना केवल हमारे जो मजहब के जो स्टडीज हैं स्टडीज बाइबल के बारे में जी सिखाया जाता है, बल्कि हमें हर मजहब के बारे में जो पढ़ना इंफॉर्मेशन। पड़ता है। वी ओके हैव टू स्टडी अबाउट डिफरेंट रिलीजन्स, यस हमें इस्लाम के बारे में भी पढ़ना पड़ता है और हिंदुइज्म के बारे में पढ़ना पड़ता है और सिखिज्म के बारे में भी, ताकि हर रिलीजन के जो फिलॉसफी और थियोलॉजी के थोड़ा बहुत हमें समझ आ जानकारी जाए। रखना है। जी और जैसे आपने शुरुआत में ये पूछा है कि मुझे ये कहाँ से जो जो उद्देश्य मिला है, जो इच्छा मिला, मेरे शुरुआत से मेरे जैसे जितने भी फादर लोग मेरे जो पहले थे, एल्डर्स थे, सीनियर्स जी थे, उनके जीवन को देखकर मुझे ये प्रेरणा मिला। आई एक्चुअली वॉज एनकरेजमेंट इंस्पायर्ड देख बाई के। सीइंग दम। जी एंड देन इनिशियली हमारे घर में भी कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को यूं कोई नहीं देता है, तो सबके घर में ये रोक टोक तो होता ही है। लेकिन मेरे माँ बाप ने प्रेयर करके ये डिसीजन लिया, अगर आपकी इच्छा अगर है तो आप जाओ, अच्छा तो जी, उसके बाद ही तो मैं इस लाइन में आया हूँ। जी ठीक सर, है, मतलब ये उनका सपोर्ट रहा। जी खैर, जी हमारा आपका सवाल अपनी जगह, हमें एक वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा। नाज़िम मोहतरम, एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद आते हैं। हुमैरा का सवाल जो है महफूज रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के। گٹمزن یی زنگاش اس روزن پگہچ آش اس رشتن برہو گوڈ اس پکھن کڑھو باش سیمٹیک سیمنز رشتن ہز مضبوط عمارت بڑا بیوی کی شاپنگ کے لیے باہر چلتے ہیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے گولڈ ہی تو لانا ہے گولڈ کے لیے یو آر جیولرز یو آر جیولرز ہاں پھر ٹھیک ہے چلتے ہیں पहुंच जाए यू आर ज्वेलर्स खादी कदर सराफ कदर। बेहतरीन नस्ल तो स्वल्प स्वल्प दूध दिन वाले जानवर सारनी हिंज मांग राष्ट्रीय गोकुल मिशनस तहत उस मसनूई तुखम रेजी हुंद वसी प्रोग्राम आजकल चलान छु तम सू मुमकिन जि थद पाई जर्ज तो बेहतर फायदा दिन वाल वर्ज हेकन मादा जानवरन पैद सपदित लाइव स्टॉक बोर्डन पूर कशीर मज जाए जाए मसनूई तुखम रेजी हुंद प्रोग्राम शुरू करमुत आमदनी ते मालस हुरियर करने बापत करियो नजदीकी वेटनरी सेंटर सित रिप्त ते अमी स्कीम हुंद तुलियो भरपूर फायदे जारी कर द लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर। मुल्क का नामवर
IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बेऔलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले दो सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। Welcome back once again. Today we are celebrating Christmas special. Friends, it's been said by Norman that Christmas is forever, not just for one day. For loving, sharing and giving are not to put away. आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है फादर स्टेलन राजा जी. इनसे बातचीत का जो सिलसिला है उसे जारी रखेंगे. फादर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने अभी कहा कि यू हैव टू गेट थ्रू सम ट्रेनिंग. जानना चाहेंगे आपसे कि ये कौन फाइनली डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है ही इज कॉम्पिटेंट टू बिकम ए फादर. कोई पर्टिकुलर इंक्वायरी भी की जाती है उसके लिए? यस ऑफ कोर्स. हमारे जो हर एक जो क्षेत्र के लिए, जिसको हम इंग्लिश में डायसिस कहते हैं, हिंदी में धर्म प्रांत कहते हैं, उसके लिए एक बिशप होता है. ओके, ठीक है. तो वही हमारे जो डायसिस के हेड होते हैं, तो उनके जो सात कंसल्टर्स हैं. तो मान लीजिए, जैसे मुझे प्रीस्टली ऑर्डिनेशन के लिए, फादर की जो अभिषेक के लिए मुझे प्रमोट करना है, तो ये मेरे रिपोर्ट्स जहाँ जहाँ मेरे पढ़ाई किया है वहाँ पे, वहाँ से मांगा जाता है. ओके. तो वहाँ पे मेरे जो प्रोफेसर्स हैं और जो मेरे जो रेक्टर हैं, उस सेमिनरी के गुरुकुल के जो जो अध्यक्ष हैं, उनसे मांगा जाता है. तो मांगने के बाद फिर बिशप अपने कंसल्टेंट्स के साथ बैठकर सलाह मशवरा करते हैं, तो और डिटेली मेरे बारे में डिस्कस करते हैं कि ये व्यक्ति बिल्कुल इसके लिए लायक है. तो फाइनली इसके बाद हमारा एक जो प्रीस्टली ऑर्डिनेशन का जो अभिषेक होता है, सेरेमनी होता है. ओके, दैट इज नियर अबाउट 2 to 3 hours का अभिषेक होता है. तो हमारे जो चर्च के प्रोग्राम का, तो उसी में फादर के रूप में हमें अभिषेक किया जाता है, और उसी दिन से हम उसका जो ऑफिशियल टाइटल जो फादर है जो हमें मिलता है. फादर मतलब ये बायोलॉजिकल नहीं बल्कि रिलीजियस टर्म में जो सबके लिए जो बनता है, उस दिन से वो किसी पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग नहीं करता है, बल्कि ही बिलोंग्स टू यूनिवर्सल चर्च. वही मतलब होता है. फादर के मेन रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होते हैं? या ये फादर का जो मेन रोल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू टेक केयर ऑफ द पीपल हु इज गिवन टू हिज केयर. जैसे मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर पैरिश में जाते हैं, जैसे पैरिश श्रीनगर हमारा एक पैरिश है, तो वहाँ पर जितने भी हमारे जो ईसाई भाई बहन हैं, उनकी रूहानी देखभाल हमें करना है. स्पिरिचुअल तौर पर उनकी देखभाल करना है. कोई उनको जो संडेज को या फ्राइडेज को सेशंस को, जो हमारे मास कहता है, होली मास हम कहते हैं, तो उसको हमें जो द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द प्रीस्ट इज टू सेलिब्रेट द सैक्रमेंट्स जो हम है ना, और उसके साथ साथ जहाँ के भी कोई बीमार है या कोई भी जरूरत है, उनको हमें जो रूहानी तौर पर देखभाल करना हर एक प्रीस्ट का ये कर्तव्य है जी. जिसको हम रहनुमाई रहबरी कहते हैं उर्दू में. खैर, थ्रू आउट आवर लाइव्स वी स्ट्राइव टू फाइंड द राइट पर्सपेक्टिव इन लाइफ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि चीजों को सिर्फ देखना ही जरूरी नहीं है, चीजों को सही जाविये से देखना जरूरी है. यू गॉट टू हैव द राइट पर्सपेक्टिव. और इसी के लिए ये सारी रियाजत, सारी ट्रेनिंग होती है. जी जी. आपसे जानना चाहेंगे कि जब इस ट्रेनिंग से पहले क्या पर्सपेक्टिव था लाइफ का, और किस तरह से इस ट्रेनिंग के बाद जब आप खादिम खुदा बनने की राह पे चले, गामजन हुए, तो फिर ये पर्सपेक्टिव कैसे बदला, और इस वक्त क्या राय रखते हैं आप जिंदगी के बारे में? क्या, व्हाट इज दिस लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर बीइंग? एक्चुअली देयर इज अ पर्पस इन एवरी लाइफ. ओके, एवरी पर्सन हु ऑप्ट्स फॉर अ पर्टिकुलर way of living, no, he or she has got a purpose in it. Okay, right. So this purpose is being realized during this long course of our training. Right. Okay, so during ye jo 10-12 saal ki jo hamare jo taleem hoti hai, training riyazat hoti hai, yes, usi samay hum logon ko jo man mein dil mein jo pakka irada ho jata hai ki aage mujhe isi mein rehna hai, aur isi ke liye main shayad khuda ne hame jo chuna hai, to isi irade mein hum na tike rehte hain.
So actually the purpose does not get changed by becoming a priest, but during this 10 to 12 years of your training actually, so you make, you get completely convinced of the purpose of your life, okay? Right. Purpose doesn't change, but the perspective changes. Yes, certainly, you know, when you get into particular field of your life, okay, right, naturally your perspectives change, but then the purpose always remains the same. Yes. जी फादर, चूंकि आज क्रिसमस का शुभ त्यौहार है, हम जानना चाहेंगे कि क्रिसमस जो है इसका, इसके पीछे क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हाउ इट स्टार्टेड. ओके, once again I wish you all a very happy Christmas. Thank you. Christmas actually is the annual, the last the festival of the Christians. साल के दिसंबर महीने के जो आखिरी और सबसे जो एक महत्वपूर्ण त्योहारों में से, ईद में से, ये हमारे लिए एक खास ईद है जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को हम मनाते हैं, जो आज से 2000 साल पहले जो हुआ है उसको हम पूरे धूमधाम से मनाते हैं, याद करते हैं. और आज का ये मुख्य विषय है क्रिसमस का मतलब क्रिस्ते मसे, मतलब सेलिब्रेशन ऑफ क्राइस्ट, ठीक है. तो यही जो आज प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन का ही एक मुख्य जो विषय है. और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में एक ईश्वर के, खुदा के बेटे होने के बावजूद इस दुनिया में एक इंसान बनकर इंसान के साथ जीने के लिए आए हैं. ये खुदा बाप के सबसे एक अनमोल और अनोखा एक जो तोहफा है इंसान जात के लिए, तो इसी को हम क्रिसमस के दिन में हम याद करते हैं और मनाते हैं. बिल्कुल सही बात है. और सेलिब्रेशन के साथ साथ इट्स अ फेस्टिवल ऑफ रिमेम्बरेंस, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ रियलाइजेशन कि आप को क्या दिया है जीसस क्राइस्ट ने, वो क्या पैगाम लेके आए थे, वो किस पर्पस के साथ आए थे. तो अगर उनकी जिंदगी की बात हम थोड़ा करें तो क्या ह्यूमैनिटी के लिए बिलअमूम वो पैगाम लेकर आए थे. जीसस क्राइस्ट के जो पैगाम है इस दुनिया के सभी मानव जाति के लिए प्यार का इन्होंने एक नया परिभाषा दिया. ही हैज गिवन अ न्यू डेफिनेशन ऑफ लव फॉर द ह्यूमैनिटी. ओके, आमतौर पर हम अगर मान लीजिए किसी को प्यार करते हैं तो हम उनसे कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट तो करते हैं ना. ओके, बट द लव, द टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट इज टोटली यू नो सेल्फलेस, इज फॉर द सर्विस ऑफ द ह्यूमैनिटी. तो जैसे हम लोग फादर बन के आए हैं तो हमें जो हमारी जो सर्विस जो है इज फॉर द सर्विस ऑफ द ह्यूमैनिटी. ओके, सर्विस ऑफ द मैनकाइंड. यस, सो इट इज नॉट लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर मजहब के लिए जिनको भी हमारी जो जरूरत होती है, ठीक है, तो उनकी सेवा के लिए हम आते हैं. तो जीसस क्राइस्ट का यही टीचिंग है कि एक इंसान, हर एक इंसान को अपने भाई बहन के रूप में देखना है. नफरत नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए. और ना हर कोई किसी एक दूसरे को आसानी से क्षमा करने की जो भावना है, फॉरगिवनेस या सो प्रभु यीशु मसीह ने वो सबसे जो अहम तौर पर सबको सिखाया है. बिल्कुल. और यहाँ पे मैं सिमिलैरिटीज देख रहा था. हमारे दीन में भी ये कहा जाता है कि अगर आप किसी के साथ खैर का मामला करते हैं या किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो फिर इस नियत से ना करें कि आप एहसान जता रहे हैं. बिल्कुल. आप इस नियत से करें कि इसका अजर और सवाब आपको अल्लाह ताला की बारगाह में मिलेगा. और दूसरा ये कि जैसे आपने कहा कि दरगुजर करने की सलाहियत या फिर एक्सपेक्ट ना करने की सलाहियत कि अगर मैंने किसी के साथ कुछ अच्छा किया है तो फिर ये भी अच्छा करेगा. ये तो फिर कारोबार हो गया ना. बिल्कुल. कारोबार में भी आप यही करते हैं कि आप कुछ देते हैं, वहां से फिर किसी और बेनिफिट की आपको तवक्को होती है. लेकिन इंसानी ताल्लुकात में ये नहीं चलता. इंसानी ताल्लुकात में आपको सेल्फलेस रहना पड़ता है. और गलतियां तो सबसे होती हैं. दरगुजर का मामला, दरगुजर का जज्बा जब आप दिल में रखते हैं तो काफी सारे मामला जो हैं वो अच्छे रहते हैं. खैर, ये जो आपने कहा कि ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, अब अनफॉर्चुनेटली इन आर सोसाइटीज, जिस माशरे में हम रहते हैं, हम देख रहे हैं कि इन अकदार में जो है धीरे धीरे अब गिरावट आ रही है और डिग्रेडेशन हो रही है. अब इंसान को इंसान की उतनी कदर नहीं है. इसकी क्या वजूहात हैं, इस पर भी थोड़ा सा हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमें एक वक्फे के लिए रुकना है. नाज़रीन मोहतरम, एक छोटा सा वक्फा, ये दिलचस्प गुफ्तगू
फादर स्टेलिन राजा से जारी रहेगी, लेकिन इस वक्फे के बाद, वक्फे के उस पार अखबार की सुर्खियां भी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन की। गटे मजन ही जुनगाश ऐसे रोजन पगहच आश इस रिश्तन बरहव गोड इस पखन कढ़व वाश सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। बड़ा दीदी की शॉपिंग के लिए बाहर चलते हैं। बाहर जाने की क्या जरूरत है, गोल्ड ही तो लाना है। गोल्ड के लिए यू आर ज्वेलर्स। यू आर ज्वेलर्स? हाँ ठीक है चलते हैं। पहुंच जाए यू आर ज्वेलर्स खादी कदर सराफ कदर। मुल्क का नामवर आईवीएफ सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बेऔलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले दो सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान आईवीएफ सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के, दूरदर्शन की कर्शो चैनल से लाइव। अभी वक्त हुआ चाहता है अखबारात की सुर्खियां शामिल करने का। सबसे पहले लेते हैं अंग्रेजी रोजनामे से एक खबर, फेस्टिवल ऑफ फॉरगिवनेस एलजी ग्रीट्स पीपल ऑन क्रिसमस। वन मोर न्यूज, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे ओपन। जी जी, मेरे पास एक उर्दू रोजनामा और मौसम के हवाले से ही ये खबर शाया हुई है। वादी कश्मीर में जमिस्तानी हवाओं का जोर जारी, श्रीनगर में शबाना दर्ज हरारत -5.4°C, गुलमर्ग और पहलगाम सर्द तरीन मकाम। जी अगली सुर्खी अंग्रेजी रोजनामे से, सेंटर आस्क स्टेट्स यूटीज टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड यूनियन पावर सेक्रेटरी रिव्यूज आरजीएसएस स्कीम इम्प्लीमेंटेशन। जी नाजीन, ये अंग्रेजी रोजनामा है मेरे पास और इसमें ये खबर शाया हुई है, रेनोवेशन ऑफ सिंध एक्सटेंशन कैनाल, वाटर सप्लाई टू रिमेन अफेक्टेड इन श्रीनगर एरियाज फॉर 2 days फ्रॉम December 27। जी एक और सुर्खी उर्दू रोजनामे से, जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मैं होंगे। जी उर्दू रोजनामा और इसमें ये सुर्खी शाया हुई है, 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना लाजमी, महकमे इनकम टैक्स की जानिब से बाजाबता एडवाइजरी जारी। जी मेरे पास है आखिरी उर्दू रोजनामा पे ये खबर शाया हुई है, श्रीनगर और गुलमर्ग के दर्ज हरारत में अब सिर्फ 1 degree का फर्क। जी एक और खबर सफे पे शाया हुई है एक उर्दू रोजनामे की, हालांकि ये खबर पढ़ना तो नहीं चाहते और कभी तवक्को भी नहीं की थी कि फिर से कोविड की खबरें हम पढ़ेंगे, लेकिन अब चूंकि खतरे की घंटी बज गई है, कोविड से निमटने के लिए जमीनी सतह पर इकदाम उठाने की जरूरत, 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल में सेहत शोबे के तमाम जिम्मेदारों की शिरकत लाजमी, सेक्रेटरी हेल्थ। जी ये अखबारात की सुर्खियां थी। हम आज बात कर रहे हैं क्रिसमस के मौके पर फादर स्टेलिन राजा से, ये होली फैमिली कैथलिक चर्च के फादर हैं। जी हम बात कर रहे थे कि ये जो आज की सोसाइटी है इसमें लोग एक दूसरे से डिटैच हो गए हैं, नफरत बढ़ने लगी है, हसद या इस तरह के जो मनफी जज्बात हैं वो ज़्यादा उभरने लगे हैं, तो फादर आप जब देखते हैं, क्योंकि आप के जिम्मे है कि आप सभी ये जो नक्स हैं इंसान में इसकी रहबरी करें, गाइडेंस दें लोगों को, तो कैसे इन फासलों को हम कुर्बतों में तब्दील कर सकते हैं? हाउ वुड वी गेट क्लोज टू ईच अदर? हाउ विल दिस सोशल फैब्रिक बी मोर वून?
एंड इंटीग्रेटेड. या वेरी राइटली यू सेड. सबसे पहले अगर मान लीजिए एक दूसरे को एकता में भाईचारे में मन में रखना है तो सबसे पहले एक दूसरे को समझना चाहिए. वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर. जो जो मेरी जो जो आइडियोलॉजी है किसी को ऊपर थोपना नहीं चाहिए. ओके, यू शुड अंडरस्टैंड ईच अदर एज दे आर एक्चुअली, नो, एंड एक्सेप्ट. या एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर. एंड जब ये एक्सेप्टेंस एक दूसरे की जो आ जाती है तो वहीं पर एक रिश्ते का शुरुआत भी हो जाता है, वहीं रेस्पेक्ट भी आता है. जी, तो इसलिए हम किसी को अगर मान लीजिए अगर हम देखते हैं कोई गलत रास्ते पर है या नफरत के रास्ते पर है, उस व्यक्ति को अगर बदलना है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को समझना है. और उस व्यक्ति के लिए हम खुदा से सबसे ज्यादा दुआ करना है. और हम जानते हैं खुदा जब दुआ हम करते हैं एक इंसान की तकदीर को वो बदल सकता है सच्चे दिल से जब दुआ की. जी जी, और इसलिए कोई भी चीज एकदम इंस्टेंटली तो होता नहीं है, सबके लिए वक्त होता है. एंड वी नीड टू बी पेशेंट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड ओवर विद पर्टिकुलर मे बी द सिचुएशन. एंड इंशाल्लाह एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड एंड एवरीथिंग विल हैपन फॉर गुड. मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि क्रिसमस से पहले हम करीब 40 दिनों तक प्रिपरेशन में लगे होते हैं. जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियां होती है क्रिसमस के लिए स्पेशली, और क्या हम क्रिसमस सिर्फ एक ही दिन मनाते हैं और इट एक्सटेंड इज फॉर मोर डेज. या वेरी राइट क्वेश्चन ही आज. एक्चुअली बिफोर क्रिसमस एक्चुअली देर इज अ सीजन कॉल्ड एडवेंट सीजन. इसको हम हिंदी में आगमन काल कहते हैं. यस, तो ये 4 वीक्स का होता है. ठीक है, सो हम इस 4 वीक्स में हम खुद को इस आज के ये ईद के लिए आज के इस त्यौहार के लिए रूहानी तौर पर तैयार करते हैं. और ये रूहानी तौर पर कैसे तैयार होता है, जैसे तालीम सीखना है बाइबल के, जो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो बताया गया है उस विषय के बारे में चर्चा करना है और उसको समझना है. और हम हमारे जो ईसाई भाई बहनों के बीच में एक जो एक बड़ा अच्छा जो रिवाज है सैक्रमेंट ऑफ कन्फेशन कहते हैं, जिससे हम एतराफ कहते हैं उर्दू में इसको, जाकर जी तो हम जाकर अपने किए हुए गुनाहों को खुदा के सामने हम कबूल करते हुए माफी मांगते हैं, ताकि जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो आज से 2000 साल पहले जो हुआ है वो दोबारा तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन उसको याद करते समय हमारे मन हमारे दिल हमारे परिवार हमारे समाज साफ सुथरा रहे, पाप से गुनाह से दूर रहें. और इस त्यौहार को हम एक अर्थपूर्ण विद अ पर्टिकुलर पर्पस इन अ मीनिंगफुल वे सेलिब्रेट करने के लिए हम ये जो आगमन काल में एडवेंट सीजन में हम तैयार करते हैं. राइट. बच्चों की बात करें तो बच्चों को काफी इंतजार रहता है आज के दिन का. कहते हैं कि सेंटा क्लॉज आ जाएगा, तरह तरह की गिफ्ट्स लाएगा हमारे लिए. तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट्स हिस्ट्री बिहाइंड दिस, एंड जो उसके पीछे वो गेटअप वगैरह होता है रेड कलर का इस्तेमाल क्या सिग्निफाई करता है? जी जी जी, एक्चुअली यस चिल्ड्रन ये क्रिसमस के टाइम पर बहुत सारे गिफ्ट्स के लिए जो एक्सपेक्ट करता है ये बिल्कुल जाहिर है. क्रिसमस इज अ टाइम ऑफ गिविंग, इज नॉट टेकिंग, मोस्टली इट्स अ टाइम ऑफ गिविंग. या एंड देन दे लुक एट सांता क्लॉज एज समवन जो तोहफा देने वाला है. लेकिन है ना, ये आजकल क्रिसमस एक प्रकार का जो कमर्शियल होने लगा. क्रिसमस का जो मेन जो जो पर्पस एसेंस इज नॉट सांता क्लॉज. सांता क्लॉज का जो मान लीजिए वो मेरे जैसे एक फादर थे, बाद में बिशप बने, उनके जो असली नाम जो है सेंट निकोलस, जो उसको हम हिंदी जो लैटिन भाषा में संता निकोलस, जो सेंट वर्ड जो है वो लैटिन में संता बोलते हैं. ठीक है, तो उसको निकोलस को हटाकर उसको क्लॉज मतलब वो शॉर्ट फॉर्म में कर दिया. सो उनका जो मान लीजिए वो एक मायरा करके एशिया माइनर में वो एक जो धर्म प्रांत के एक डायसिस के बिशप थे. He was known for a lot of charitable works actually, you know. Yes, he used to quietly उस घर में जाकर कुछ ना कुछ रख के आ जाते हैं जो जरूरतमंद है, खासकर जो गरीब है मुस्तहिक है. या सो when he actually died, he was actually given the status of a saint because of a lot of charitable works that he did. Okay, तो ये जो सांता क्लॉज को जो रिवाज जो है हर कॉन्टिनेंट्स में ज्यादा नहीं किया जाता है. ओके, बट देन क्रिसमस के टाइम पर अगर देखिए शॉप्स ऑल
markets and are filled with the Santa Claus. Santa Claus, Christmas. But actually, Christmas time, Santa Claus is not so important, but Jesus is important. Right, right. And his the meaning of his birth is more important. Okay. फिर ये हो जाता है ना कि हर किसी त्योहार के साथ फिर कुछ rituals, कुछ customs, कुछ traditions attached हो जाते हैं. फिर वो असल में उनके साथ वाबस्तगी रखते हो या ना रखते हो, वो अटैच हो गए होते हैं. ऐसे हमारी भी कुछ त्योहारों के साथ कुछ चीजें मुंसलिक हो गई हैं, वाबस्ता हो गई हैं, लेकिन असल में फिर जब हम देखते हैं तो उनका कोई ताल्लुक उसके साथ होता नहीं. लेकिन ये जो आपने कहा कि एक वो सेंटिमेंट, एक वो जज्बा टू गिव, हमारे मजहब में भी ये कहा जाता है कि आप ये समझ के ना दें कि आप दे रहे हैं जी. आप ये समझें कि अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, इसलिए आप ये सलाहियत रख रहे हैं, ये कुव्वत है आपके पास कि आप किसी को दे सकते हैं. और फिर एक बार के एहसान नहीं जताएं आप इस बात को. ये जो गिफ्ट हम देते हैं क्रिसमस के तौर पे, क्रिसमस के दिन पे खासकर, तो ये भी क्या इसी चीज की याद दहानी है कि हमें हमेशा देते रहना चाहिए जो भी अल्लाह ने हमें दिया है. वी हैव टू स्पेयर समथिंग इन चैरिटी. एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल आपकी बात में सही बताया है कि एक्चुअली हमें ना इतना हमें वो नहीं दिया गया कि हम हर किसी को दे सकते हैं. ठीक है, बट देन सर्टन परसेंटेज ऑफ योर इनकम, सर्टन परसेंटेज ऑफ योर व्हाट यू आर हैविंग शुड बी शेयर्ड विद दोज पीपल हु डू नॉट हैव. और उस समय जैसे आपने सही बताया कि हम देते समय हम खुद को ये नहीं देखना चाहिए कि मैं दे रहा हूँ. ठीक है, इट हैज बीन गिवन बाय गॉड टू अस एज अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग एंड वी नीड टू शेयर विद दोज पीपल हु डू नॉट हैव. तो रियल जॉय इट कम्स व्हेन यू शेयर विद दिस समवन ना. एट द टाइम ऑफ रिसीविंग तो हर कोई तो पाना चाहता है, लेकिन देना बड़ा कम चाहते हैं. ठीक है, जब देते हैं जो दिल से देना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ एक्सपेक्टेशन रखे मेरी तारीफ होगी, मेरे ना मेरा मुझे कहा जाएगा कि बहुत सखी है, बहुत चैरिटी करता है. अप्रिसिएशन के लिए नहीं देना, बट वी शुड गिव the real heart to help someone who is in need of our help. और कम्युनिटी में रहने का वही तो मकसद है. Why do we live in a community? वहाँ पे ऐसे भी तबका जात हैं जो जिनकी माली हालत बहुत खस्ता होती है, बहुत पसमानदा तबके के लोग रहते हैं, बहुत गुरबा रहते हैं, और उनको जब हम अपने माल में से कुछ परसेंटेज निकाल के देते हैं तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि वी केयर फॉर देम. ये एक वो जो केयरिंग का मादा है इन तबका जात के लिए, ये बहुत जरूरी है हमारी सोसाइटी में. आज देखिए, आज विंटर है, गर्म कपड़े, कोट, खैर हम तो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन बाकी लोग जो गरीब हैं, जो शेल्टरलेस पीपल हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. तो उसके लिए वॉल ऑफ काइंडनेस यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया गया है, जहाँ पे हम जो मलबूसात नहीं इस्तेमाल करते या छोटे पड़ गए वो लगा देते हैं वहाँ पे, और किसी को पता भी नहीं होता है कि वहाँ पे किसने कौन सा कपड़ा रखा है. फिर कोई गरीब वहाँ पे आता है और लेके जाता है. मुझे लगता है ये भी एक एक्ट ऑफ गिविंग है कि आप किसी मुस्तहिक तक बिना उसको खबर किए पहुँच सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं. तो खैर, ये जो क्रिसमस है ये पूरा एक मजमुआ है जिसपे जिसके बहुत मुख्तलिफ पहलू को समझना पड़ेगा हमें. लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ सेलिब्रेटेड डिफरेंटली, तो यहाँ पे किस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं अगर कश्मीर की बात हम करें? जी, कश्मीर में हम सबसे पहले कल रात को हमारे जो चर्च 24th को ये क्रिसमस सेलिब्रेशन रात से शुरू होता है. जी, ठीक है, तब तक हम उसको हम जैसे मैंने पहले कहा था एडवेंट सीजन में रहते हैं. From 24th night onwards, actually we get into the mood of celebration of Christmas, and we on 24th रात को ही हम चर्च में जाते हैं. वहाँ पर हमारा एक खास जो पाक मिसा बलिदान होता है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम खासकर उनका जिक्र करते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, और चर्च में जाकर एक दूसरे के लिए, अपने अपने परिवार के लिए, अपने जो समाज के लिए दुआ मांगते हैं खुदा से, ताकि सभी लोग इस त्योहार के समय पर खुदा के खास बरकत से, फजल से वो मालामाल हो. यही जो खासकर क्रिसमस के टाइम पर होता है. अच्छा, ये भी बताइएगा कि घरों में किस तरह का माहौल होता है आज के दिन पर, और क्या क्या खास बनाया जाता है? यस, ये क्रिसमस के पहले एक्चुअली हर कोई कोशिश करता है अपने घर को अच्छे से पहले डेकोरेट करें. और हर एक घर में अगर किसी भी क्रिश्चियन फैमिली में आप जाएंगे, जरूर वहाँ पे एक स्टार आपको दिखेगा, लाइट्स. जी,
और इसके बाद वेल इल्यूमिनेटेड अलग अलग रंग बिरंगे ताकि लगे कि एक फेस्टिवल है जी। और हर एक जो घर में, खासकर जो हमारे जो कैथोलिक क्रिश्चियन कम्युनिटी में देखा जाता है, एक छोटा सा जो क्रिब बनाते हैं जिसको हम हिंदी में गौशाला कहते हैं, ठीक है। तो जो प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म उस जिस माहौल में हुआ था उसका डिपिक्ट करते हुए एक छोटा छोटा जो चरनी बनाते हैं ताकि हर एक घर में वो सिंबल हो या सिंबॉलिकली उसको रखकर रिमेम्बरेंस भी हो उसको देखकर। तो खैर, इस फेस्टिविटी के बारे में और किस तरह से मनाते हैं और बात करेंगे, लेकिन हम बिलखुसूस संडेज के दिन गुड मॉर्निंग रोजगार आप तक पहुंचाते हैं। रोजगार से जुड़ी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, सलीम एजाज कपरा साहब तैयार हैं स्टूडियोज में इस सेगमेंट को लेकर। पहले देखते हैं इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानते हैं, उसके बाद ये गुफ्तगू अपने मेहमान से जारी रहेगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एन के। नाजरीन मोहतरम, सुबह बखैर। पेश खिदमत है आज का गुड मॉर्निंग रोजगार और मैं हूं सलीम एजाज कपरा। आगाज करते हैं इस इतला से। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जम्मू जेएंडके यूटी से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों से वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन की असामियां पूर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 23। उम्मीदवार की बलाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। तनख्वाह का स्केल 52,700 1,66,700 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 24 जनवरी 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.jkpsc.nic.in। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जम्मू की एक और नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन को असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी और असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग्स की असामियां पूर करने के लिए जम्मू कश्मीर यूटी के डोमिसाइल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 7। इनमें असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी की 5 असामियां और असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग्स की 2 असामियां शामिल हैं। उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। तनख्वाह का स्केल 47,600 1,51,100 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 25 जनवरी 2023 है। मुकम्मल तफासील के लिए लॉग इन करें www.jkpsc.nic.in। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा कश्मीर को एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत कॉन्ट्रेक्चुअल बुनियादों पर मुख्तलिफ मजामीन में असिस्टेंट प्रोफेसर की असामियां पूर करनी मतलूब हैं। जिन मजामीन में ये असामियां पूर की जा रही हैं उनकी तफसील यूं है: अरबिक, एक्चुअरियल मैथमेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, पीस एंड कंफ्लिक्ट स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, जर्नलिज्म, कश्मीरी, मैथमेटिक्स, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, थियोलॉजी, रिलीजियस स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, एमसीए, मैनेजमेंट और आर्किटेक्चर। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 1 जनवरी 2023 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.iust.ac.in। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा कश्मीर की एक और नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी के एसोसिएटेड कॉलेजेस में एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत कॉन्ट्रेक्चुअल बुनियादों पर फैकल्टी असामियां पूर करने के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। असामी की तफसील यूं है: लेक्चरर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तालीमी काबिलियत: उम्मीदवार ने मुतल्लिका डिसिप्लिन में बीई या बीटेक की डिग्री हासिल की हो। मुंतखब उम्मीदवार को फी माह 28,000 रुपए बतौर मुशाहरा दिया जाएगा। और ट्यूटर्स नर्सिंग: तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हो। मुंतखब उम्मीदवार को फी माह 25,000 रुपए बतौर मुशाहरा दिया जाएगा। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख
यकुम जनवरी 2023 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.iust.ac.in। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की असामियां पूर करने के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 100, उम्मीदवार की उम्र 21 और 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत, उम्मीदवार कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट मजमून में पीजी हो या उम्मीदवार लॉ, सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री याफ्ता हो। तनख्वाह का स्केल 28,150 70,000 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 3 जनवरी 2023 है। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए लॉग इन करें www.sidbi.in। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा जेंट के यूटी के डोमिसाइल उम्मीदवारों से कॉलेज के मुख्तलिफ शोबजात में प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की असामियां एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत पूर्व करने के लिए नॉन पीएससी, नॉट इन सर्विस और रिटायर्ड डॉक्टर से दरख्वास्तें तलब करते हैं। जिन शोबजात में ये असामियां पूर्व की जा रही हैं वो हैं एनाटमी, फिजोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस, डर्मेटोलॉजी, विनेरोलॉजी एंड लेप्रेसी, साइकेट्री, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, ऑप्थल्मोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग, रेडियोथेरेपी, एनेस्थेसियोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, डेंटिस्ट्री, ब्लड बैंक और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 67 साल मुकर्रर है। इस जमीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2023 है। मुकम्मल जानकारी हासिल करने और दरख्वास्तें इरसाल करने के लिए पता है प्रिंसिपल कम डीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर मेन ऑफिस। और अब आखिरी इत्तला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू को नॉन फैकल्टी की मुख्तलिफ असामियां पूर करनी मतलूब हैं। असामियों की तफसील यूं है, प्रोजेक्ट इंजीनियर कम एस्टेट ऑफिसर, सिस्टम मैनेजर, प्लेसमेंट ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रोग्राम, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हिंदी लैंग्वेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ इनोवेशन ऑफिसर, सेक्रेटरी टू डायरेक्टर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एकेडमिक्स, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एस्टैब्लिशमेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इंटरनेशनल रिलेशन, वेब डिजाइनर, जूनियर इंजीनियर सिविल और होस्टल सुपरवाइजर फीमेल। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.iimj.ac.in। नाज़रीन मोहतरम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आप देखिए गुड मॉर्निंग जेएंडके का बाकी हिस्सा। बहुत शुक्रिया सलीम एजाज कापरा साहब गुड मॉर्निंग रोजगार हम तक पहुंचाने के लिए। हम आज क्रिसमस के मौके पर बात कर रहे हैं फादर स्टेलिन राजा से, जो होली फैमिली कैथलिक चर्च के पादरी हैं। फादर, हम जब फेस्टिविटी की बात कर रहे हैं, सेलिब्रेशंस की बात कर रहे हैं, तो ये सेलिब्रेशंस क्या आज के दिन तक ही महदूद रहते हैं या फिर ये कुछ और अरसे तक जारी रहते हैं? The mood of Christmas remains not only on the day of Christmas okay. but it's continuous for some time, okay? We call it Christmas octave. Okay. तो ये एक हफ्ते के लिए रहता है और न्यू ईयर और न्यू ईयर के फर्स्ट वीक के साथ खत्म हो जाता है। अच्छा। जी, इसलिए तो ये क्रिसमस का ही पार्ट है ये सारी सेलिब्रेशन। क्रिसमस सीजन कुछ और भी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है इन दिनों में? नहीं, क्रिसमस इज द मेन एक्चुअली जो एनुअल जो फीस्ट है, इसके साथ द इफेक्ट्स ऑफ क्रिसमस रिमेंस फॉर सम मोर टाइम, डज नॉट गेट ओवर ओनली विद 25th December एक्चुअली। फादर, व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिश्चियनिटी एज अ रिलीजन, क्रिश्चियनिटी जो है ये एक बहुत ही बड़ा रिलीजन है और बहुत पुराना रिलीजन भी है, जानना चाहेंगे व्हाट इज द मेन मिशन ऑफ दिस रिलीजन? Yes, actually the main mission of this religion is Jesus Christ and his teachings. Yes, that is the main mission which has to be realized and executed through our way of
life. That's the main mission actually, Jesus. Mm-hmm. If you just want to describe, you cannot describe it just in one sentence or in one hour. Mm-hmm. But it is a continued process, okay? Jesus Christ is duniya mein, na, ek, jaise maine pehle bataya, hamare jo sochne ke taur tarike se, rehne ke soch taur tarike se hat kar hai, theek hai? दो उसको फॉलो करना ना सबके लिए इतना आसान नहीं है, नहीं है। लेकिन फॉलो करेंगे तो उससे बेहतर हमारे लिए और कुछ नहीं है कुछ। और कम से कम जब आपको गाइडेंस की जरूरत हो तो चूंकि वो एक टॉर्च बेयरर बन के आए, वो एक लाइट बन के आए जी। तो वहां से हम गाइडेंस ही करें तभी हम राइट पाथ पे जा सकते हैं। चूंकि आपने कहा कि आप कश्मीर से आपकी वाबस्तगी लगभग 10-20 साल पुरानी अब है, तो यहाँ चूंकि इस तरह की सोसाइटी है जहाँ पे मुख्तलिफ अकायद के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ बिलीफ्स और रिलीजन से वाबस्तगी रखने वाले लोग रहते हैं, यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं, क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं, सिख बरादरी से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं, तो यहाँ पे बींग क्रिश्चियन हाउ डज इट फील, क्या तजुर्बा रहा, इस कम्युनिटी के बारे में क्या राय है? Yes, Christian community is a very, you know, very small minority community in JNK. In that matter, whole of India actually. But then we always like to live in peace with one another. Right. You know, हमारे जो बिशप साहब हैं अभी, जो हमारे जो बिशप आइवन परेरा, उनका जो बिशप बनने का जो मोटो जो है, proclamation through, you know, peace. पीस है उनका, है ना। तो हमारा जो देश है, खासकर जो JNK में, जम्मू कश्मीर में, ना हमारा वो जो भाईचारा आज तक मैंने महसूस किया है, तो आई एम बेसिकली फ्रॉम साउथ, लास्ट 22 इयर्स आई एम हियर, तो कभी भी एक प्रकार का जो ना मजहब के नाम पर या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के नाम पर तो कहीं जो रोक टोक हो तो भी मैंने नहीं अनुभव किया। और आपको ये एहसास नहीं हुआ होगा कि आप एक माइनॉरिटी है? Absolutely. बहुत सारी जगहों पे यू फील इनसिक्योर बीइंग ए माइनॉरिटी, तो ऐसा तो कुछ नहीं लगता? कभी नहीं। कश्मीर के और जम्मू के लोग भी बड़े अच्छे हैं, और कश्मीर में अभी लास्ट 1 ईयर प्लस हूँ, तो पीपल आर, यू नो, कश्मीरी पीपल आर वेरी स्वीट पीपल बाय नेचर एक्चुअली, नो, तो कहा जाता ना, दे आर नोन फॉर हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी, मेहमान नवाज जो आप उर्दू में कहते हैं। आई एम रियली एक्सपीरियंसिंग इट एंड इट इज वेरी वंडरफुल कम्युनिटी, वेरी वाइब्रेंट कम्युनिटी। ओके, यस, द कम्युनिटी दिस कश्मीर वॉज एक्चुअली बींग डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशंस, बट the goodness of people is still the same, that social fabric is still intact. Yes, that is totally intact. Yes, yes. अब चूंकि हमारे पास आखिरी कुछ 2-3 मिनट हैं, आपसे एक पैगाम लेना चाहेंगे हम, जो कि पूरी मैनकाइंड के लिए होगा इस क्रिसमस ईव पे, खासकर फादर का क्या पैगाम होगा सभी? Yes, इस क्रिसमस के तौर पर मेरी ये दुआ है, मेरी पैगाम यही है कि आज के दिन, जो क्रिसमस के दिन में, मैं आप सबके लिए, जो भी इस दर्शक है, सबके लिए मैं खुदा से, अल्लाह ताला से मैं खास दुआ करूंगा कि सभी को क्रिसमस का जो खास बरकत फजल जो मिलना है वो मिले, और जो आने वाला जो नया साल 2023 सबके लिए एक प्रॉस्परस, खुशियों से भरा एक साल रहे। और जैसे आपने कुछ समय के पहले भी बताया कि फिर एक बार ये जो कोरोना का खतरे का जो घंटी बज गया है, उसी से हर एक हमारे जो भाई बहन बचे रहे और महफूज रहे, बिल्कुल महफूज रहे, और सभी के लिए मैं अल्लाह ताला से, खुदा से ही दुआ करेंगे कि सभी लोग सही सलामत रहें और खुदा के हमेशा उस प्यार को अपने जीवन में अमान में रहें, फजलो करम में रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्रिसमस के इस मौके पे आप हमारे प्रोग्राम में आए, क्योंकि आज काफी सारी एंगेजमेंट्स भी होती हैं आपकी, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़िम मोहतरम, जैसा कि फादर ने भी कहा और हम सब जानते हैं कि एक दूसरे के अकायद का एहतराम ये बुनियादी तकाजा है इंसानियत का, और हम जितना अपने ताल्लुक को उस्तवार करेंगे अपने खालिक से, खालिक कायनात से, उतना ही हमारे ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे, ज़िंदगी के मामलात भी अच्छे रहेंगे, और तभी जाके हम इस सोसाइटी में एक ऐसी फ़ज़ा बहाल कर सकेंगे जिसमें अमन होगा, जिसमें मसावात, जिसमें मोहब्बत और खलूस होगा। अल्लाह ताला हमें इसी रास्ते पे कायम दायम रखे।
आज के लिए बस इतना ही। आप चूंकि 9 बजने को तैयार हैं, मुझे और हुमैरा को इजाज़त दीजिए। कल फिर हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए मौजू पे बात होगी। तब तक के लिए आप हमारी दीगर नशरियात से लुत्फ़अंदोज़ हो जाइए, बिलखसूस इस प्रोग्राम को प्यार मोहब्बत से नवाजते रहिए जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जेंटली।